लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने एक तो मॉर्निंग साइड बाई सन कर लिया है, नून कर लिया है, एक्स मेरिडियन कर लिया है। अब हमारे पास इवनिंग और मॉर्निंग साइड जो है वो स्टार की बची हुई है। तो उन दोनों का जो प्रोसीजर है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम सेम, नथिंग डिफरेंट। तो इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार साइड्स की जो प्रोसीजर्स हैं दैट आर सेम। यहाँ पे फर्स्ट वन है द इवनिंग एंड द मॉर्निंग स्टार साइड कैन बी टेकन इन द सेम वे बाई यूजिंग द सेम प्रोसीजर, सेम मैथड एंड सेम एवरी थिंग वी कैन डू इट। तो उसमें सबसे पहले क्या है, नंबर वन इज इवनिंग स्टार साइट एंड प्रोसीजर। मैंने इवनिंग का पहले कर दिया क्योंकि इट विल बी सेम, इवनिंग की जगह बस मॉर्निंग लिख देना है ये वाला कि इवनिंग या मॉर्निंग, इट विल बी सेम, नथिंग डिफरेंट। और यहाँ पे सनसेट लिखा है ड्यूरिंग सेटिंग, तो यहाँ पे ड्यूरिंग बिफोर राइजिंग लिख देना, और कुछ नहीं। तो इवनिंग स्टार जो है ना साइट एंड प्रोसीजर, इवनिंग के टाइम पे क्या करेंगे कि जब हमको सबसे पहले तो टॉयलेट पीरियड निकालना पड़ेगा, नॉटिकल टॉयलेट पीरियड। वो भी अच्छा, फ्रॉम एलमनाक टेक नॉटिकल टॉयलेट पीरियड ड्यूरिंग सेटिंग, सेटिंग के टाइम का सन का। और ये है कि नॉटिकल पीरियड क्यों चाहिए, वाई नॉट सिविल और वाई नॉट एस्ट्रोनॉमिकल टॉयलेट पीरियड। तो जो हमारा सिविल टॉयलेट पीरियड होता है उस टाइम पे हमारा जो होराइजन होता है बहुत क्लियर होता है, बट स्टार्स नहीं दिखते। और जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल है उसमें क्या होता है, स्टार्स बहुत ब्राइट और बहुत अच्छी तरह दिखते हैं, वेयर एज होराइजन नहीं दिखता है। तो एक में तो हमें होराइजन दिख रहा है मगर स्टार नहीं दिख रहे, एक में हमें स्टार दिख रहा है बट होराइजन नहीं दिख रहा है। बट नॉटिकल में क्या होता है कि दोनों दिखाई देते हैं, तो इसलिए हम लोग नॉटिकल टॉयलेट पीरियड प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, इंटरपोलेट द टाइम एज रिक्वायर्ड विद द लैटिट्यूड। तो एल्मनाक से हमने नॉटिकल टॉयलेट पीरियड देख लिया कि अच्छा, क्योंकि लैटिट्यूड इट इज वहाँ पे जो है नॉटिकल अल्मनाक में वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड 5 डिग्री के लिए आई थिंक दिए हुए हैं, एवरी वन नोज कि कहाँ से ये निकालना है। तो वो 5 डिग्री के लैटिट्यूड के डिफरेंस या जो भी डिफरेंस में दिए हैं उसमें इंटरपोलेशन करना पड़ेगा इफ़ वी आर इन द मिड लैटिट्यूड। तो उसको मिड लैटिट्यूड करके नॉटिकल टाइम पीरियड को इंटरपोलेट कर लेना है। अब उसके बाद हमें 2 LMT मिल जाएंगे, वी विल हैव 2 LMTs, LMT1 एंड LMT2। तो LMT1 में LIT, GMT1 मिल जाएगा, जोन टाइम मिल जाएगा, SMT1 मिल जाएगा। ऐसे LMT2 में LIT2 लगा के GMT2 और जोन टाइम लगा के SMT2 मिल जाएगा। ओके उसके बाद क्या, एज वी हैव SMT1 एंड SMT2 वी नो बिटवीन वॉट टाइम वी हैव टू टेक द स्टार और वी कैन टेक साइट। तो हमें क्या है कि ये LMT से हमने SMT कैलकुलेट कर लिया, 1 और 2। तो SMT क्यों कैलकुलेट किया, ये इसलिए कैलकुलेट किया था क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, हम लोग 6:30 बजे से लेके 7:15 18:30 से लेकर के और 19:15 तक हम लोग साइट ले सकते हैं या कुछ भी ऐसा है। तो वो जो टॉयलेट पीरियड है उसको डिफाइन कर देता है ये कि ये कितने टाइम का रहेगा और कब तक हम साइट ले सकते हैं। ओके नाउ फ्रॉम GMT कैलकुलेट, और यहाँ पे हमें GMT भी पता लगे, GMT 1 और 2। तो उससे GHA Aries 1 लॉन्गिट्यूड, LHA Aries 1, तो GHA लॉन्गिट्यूड, LHA 2। यहाँ पे ईस्ट प्लस वेस्ट माइनस, ईस्ट प्लस वेस्ट माइनस, तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट, GHA लीस्ट, वो करके वी कैन गेट टू नो कि हमारा LHA Aries 1 और LHA Aries 2 क्या। नाउ वी कैलकुलेटेड LHA Aries बिकॉज द स्टार फाइंडर इज हैविंग LHA Aries। हमने LHA 1 और LHA 2 को क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि जो स्टार फाइंडर नॉर्थन और साउथन हेमिस्फीयर का होता है उसमें जो है ना वो LHA के टर्म्स में दिया होता है और लैटिट्यूड को सर्कल्स के टर्म्स में दिया गया होता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज द LHA और पता करके रखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट क्या है कि यूजिंग द लैट एंड हेमिस्फीयर। अच्छा तो हाउ वी विल गो टू द स्टार फाइंडर, स्टार फाइंडर अगर नहीं भी यूज करने आता तो इफ समबडी विल टेल मी हाउ टू यू हाउ यू कैन यूज इट, तो वो भी आता है बिकॉज आई एम डूइंग जनरली ऑन बोर्ड शिप एवरी वॉच। सो जनरली मैं करता हूँ तो दैट्स वाई थोड़ा सा फेमिलियर हूँ, तो जिस तरीके से होगा आई विल एक्सप्लेन। अदरवाइज यूट्यूब पर भी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं उसकी, आई विल ट्राई टू कैच अप वन।
तो यूजिंग द लैटिट्यूड एंड हेमोस्फेयर, उसमें क्या होता है, नॉर्थन हेमोस्फेयर है, साउथर्न हेमोस्फेयर के हिसाब से जो है वो हमारा स्टार फाइंडर बना हुआ रहता है, और उसके साथ साथ में उसमें बीच बीच में सर्कल्स में लैटिट्यूड दिया रहता है नॉर्थन साउथर्न हेमोस्फेयर का, कि मतलब 0 डिग्री है, फिर 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, और ट्रांसपेरेंसी शीट रहती है जो कि 10 डिग्रीज पर 10 डिग्रीज पर 20 डिग्रीज डिपेंडिंग ऑन फ्रॉम स्टार फाइंडर टू स्टार फाइंडर जो है वो होता है। अब वहाँ से क्या करना है, हमें फिफ्थ पॉइंट क्या है जो, क्योंकि यहाँ तक तो हमने LHA निकाल लिया था, अब LHA का क्या करेंगे, यूजिंग द LHA हमें क्या लैटिट्यूड एंड हेमिस्फीयर, ठीक है, यूजिंग लैटिट्यूड हेमिस्फीयर एज वेल एज LHA 1 एंड 2, तो LHA 1 एंड 2, फाइंड द स्टार इन बिटवीन द LHA एरीज 1 और LHA एरीज 2। तो LHA एरीज 1 और 2 के बीच में जो भी स्टार्स हैं हमें अब पता कर लेना है, क्योंकि वी हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट 3 स्टार्स नाउ टू ऑबटेन द फाइनल पोजिशन ऑफ द वेसल। तो वट वी विल डू, हाउ टू सेलेक्ट द स्टार। अब सेलेक्शन ऑफ द स्टार भी थोड़ा सा है कि जो लो मैग्नीट्यूड स्टार हैं या जो ब्राइटर स्टार हैं वही चूज़ करने हैं, फिर 20 to 70 डिग्री उनका एल्टीट्यूड हो। तो वो एल्टीट्यूड क्यों, 20 डिग्री से अगर कम होगा ना तो जो होराइजन की हेज है वो उसको दबा देती है स्टार को, सो दैट्स वाई इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक सेक्सटेंट एल्टीट्यूड। अगर वो 70 डिग्री से ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, एरर ज़्यादा आ जाता है, दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज़, सो वी हैव टू टेक इन बिटवीन 20 to 70 डिग्री, और क्या मैक्सिमम सेपरेशन होना चाहिए सो दैट द PL विल कट 90 डिग्री विथ ईच अदर। तो यहाँ तक, यहाँ पे हमने LHA एरीज 1 और LHA एरीज 2 जो है वो हमें मिल गया था, और यहाँ पे हम लोगों ने स्टार सेलेक्ट कर लिया जो कि इन दोनों LHA एरीज 1 और LHA एरीज 2 के बीच में था। नाउ स्टार सेलेक्शन इज डन, हो गया, सो वी नो द स्टार नेम। हम जब स्टार सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ से हमें जो अपना स्टार फाइंडर है वहाँ से हमें स्टार का नेम, SHA ऑफ द स्टार जो कि हम एल्मनाक में से देख सकते हैं, क्योंकि स्टार का नाम पता है तो नॉटिकल एल्मनाक से नेम देख सक, नेम क्या है उसका, उसके अकॉर्डिंगली SHA निकाल सकते हैं। दैट कैन बी ऑल्सो फ्रॉम डेली बेजिस ऑल्सो, जिसमें 57 स्टार्स होते हैं और हमें ब्राइटर ही लेना है तो 57 में से ही कुछ होगा। तो स्टार सेलेक्ट कर लिया, सो वी नो द स्टार नेम, स्टार का नाम पता चल गया, स्टार का SHA पता चल गया, और बियरिंग ऑफ द स्टार या एजिमथ ऑफ द स्टार जो है वो पता चल गई। तो एजिमथ ऑफ द स्टार भी यहाँ पे हमें बहुत ही आराम से, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है उससे पता लग जाता है, इनर आउटर लिखा रहता है, तो उसके ऑन द बेसिस वी गेट टू नो कि उसकी बियरिंग कितनी है या एजिमथ कितना है, तो एजिमथ निकाल लेते हैं। तो और ये एजिमथ के नीचे मैंने पेज 106 प्रैक्टिकल नेविगेशन टू फाइंड द डेविएशन कंपास डेविएशन, ये इसलिए लिखा है क्योंकि अगर किसी ने पूछा कंपास एरर के लिए यूज़ कर सकते हैं दिस मेथड या नहीं, तो हाँ कंपास में डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए भी ये मेथड हम यूज़ करते हैं एजिमथ वाला। तो उसमें क्या, इसके बाद हमने क्या स्टार सेलेक्शन कर लिया, हमने उसका नेम SHA पता चल गया और उसकी बेयरिंग पता चल गई। टेक द सेक्सटेंट एल्टीट्यूड ऑफ ऑल 3 स्टार्स सेलेक्टेड, कैलकुलेट द Azimuth 1, Azimuth 2, Azimuth 3 ऑफ ऑल द स्टार एंड PL 1, PL 2 और PL 3। तो इस तरीके से क्या करना है कि जब हमारे पास SHA आ गए हैं सबका और सबका नाम पता चल गया है, मतलब एक तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने स्टार, तो उसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट एटलीस्ट 3 स्टार वी विल टेक और सेक्सटेंट एल्टीट्यूड निकाल लेंगे। और जब हम सेक्सटेंट एल्टीट्यूड निकाल लेंगे तो वहाँ से ट्रू एल्टीट्यूड और फिर ABC टेबल्स जो हैं वो यूज़ करके वी कैन इजिली डिटरमाइन Azimuth 1, Azimuth 2, Azimuth 3 और देन PL 1, PL 2, PL 3 आराम से निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या, एज द स्टार सेक्सटेंट एल्टीट्यूड इज टेकन एट डिफरेंट टाइम, क्योंकि स्टार का जो सेक्सटेंट एल्टीट्यूड है ना वो सेम टाइम पे नहीं लिया गया होगा, जैसे कि 6:30 पे ले लिया, 18:30 सॉरी 18:30 पे ले लिया, 18:35 पे ले लिया, 18:40 पे ले लिया, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, मतलब ये एक तरीके से स्टैगर्ड होगा, इट विल नॉट बी
साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन थोड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज वन टाइम यू कैन नॉट टेक थ्री ऑब्जर्वेशन एट अ टाइम, बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट बी एट 1830 यहाँ भी था वहाँ भी था, तो वहाँ पे दूसरे को खड़ा करके साइट लेते हैं, तो वो वाली इसमें थोड़ा सा है, सो दैट्स वाई। तो एक बार और मैं बता देता हूँ कि वॉट वी हैव टू गो थ्रू। तो इवनिंग स्टार इवनिंग या मॉर्निंग में स्टार साइट पूछी जाए, तो सबसे पहले फ्रॉम एल्मनैक वी विल टेक आउट द ट्वाइलाइट पीरियड, देन एंड वी विल इंटरपोलेट ऑल्सो, सो वी विल एक्चुअली में बस इतना बोला, वी विल टेक आउट द नॉटिकल ट्वाइलाइट पीरियड। उसके बाद वी विल हैव टू एल एम टीज, सो टू एल एम टीज वी विल हैव, LMT1 and LMT2, तो LMT में LIT लगा के GMT1 GMT2 निकाल लेंगे, जोन टाइम और SMT1 SMT2 निकाल लेंगे। वी हैव टू यहाँ पे नॉटिकल ट्वाइलाइट पीरियड निकाल लिया और फिर यहाँ पे LMT निकाल लिया। LMT से हमें SMT 1 और 2 पता है। अब SMT जो है हमें क्या बताएंगे कि किस टाइम पे शिप पे क्या टाइम पे हम लोग स्टार लेना स्टार्ट कर दें और हम कौन कौन से स्टार्स को सेलेक्ट कर लें। तो वैसे भी हम लोग पहले से ही करके रखेंगे स्टार्स को फाइंड आउट करके, तो वो कैसे करेंगे कि अच्छा यहाँ तक हमने बोल लिया था कि फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द नॉटिकल ट्वाइलाइट पीरियड, देन नॉटिकल ट्वाइलाइट पीरियड बाई यूजिंग द लैटिट्यूड, देन वी विल हैव टू LMTs एंड वी विल डिटरमाइन GMT एंड SMT, देन बाई नोइंग SMT वी नो वॉट टाइम वी कैन स्टार्ट आवर डिटर्मिनेशन फॉर द स्टार्स, सो वी विल प्री डिटरमाइन इट बाई यूजिंग द नॉटिकल एल्मनैक एंड स्टार फाइंडर वी विल यूज, सो वी नो द टाइम। Now from GMT we will calculate GHA of Aries, longitude and LHA of Aries 1 and 2. So LHA we know, and by using the latitude what we know, hemisphere north or south, and LHA of Aries 1 and 2, by using these two LHA Aries we will determine the star. So to determine the star should be brighter or low magnitude, फिर 20 to 70 degrees जो है उसका altitude होना चाहिए और जो है maximum separation हो जाए, so that the PL will cut 90 degree to get a perfect position. Then star selection will give us the name of the star, SHA of the star and bearing of the star. So we have these, so we will, after knowing exactly the star, now we can calculate the sextant altitude of all the three stars, and from there we can determine azimuth 1 azimuth 2 and azimuth 3, and same afterwards we will solve it by staggered observation to get position of vessel. So this is how we will do it. तो एक बार और शॉर्ट में चला जाता हूँ, सो एज टू बी फाइनल अप। नंबर वन, कैलकुलेट द नॉटिकल ट्वाइलाइट पीरियड। नाउ कैलकुलेट SMT 1 and 2 टू गेट टू नो व्हाट टाइम वी कैन टेक ऑन शिप। बाय GMT कैलकुलेट LHA Aries 1 and LHA Aries 2, बिकॉज वी विल नो दैट व्हाट ऑल स्टार्स वी हैव टू सेलेक्ट। So we know we will select the star on the basis of this, that is it should be bright 20 to 70 degrees and maximum separation so that the PL will cut 90 degree. We will choose those stars, ठीक है। और हमने LHA Aries 1 और 2 में से हमने देख लिया जो कि स्टार फाइंडर में है, ओके। अब हमने स्टार सेलेक्ट कर लिया कि ओके थ्री स्टार्स आर दीज स्टार्स। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट देयर बियरिंग SHA एंड देयर नेम, वी कैन फाइंड इट आउट। तो नेम से SHA भी पता चल जाएगा और बियरिंग जो है उनकी या एजिमथ जो है उनका, वी विल गेट रफली बाई यूजिंग दैट ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ द स्टार फाइंडर।
ओके नाउ वी नो द रफली एजीमथ, सो वी विल कैलकुलेट, वी विल चेक द स्टार दैट ओके दिस इज ओनली द स्टार. नाउ वी विल डिटरमाइन सेक्सटेंट एल्टीट्यूड of all the three stars which are separated 90 which are separated so that the PL will cut 90 degree. So sextant altitude, by using sextant altitude we will determine azimuth 1, 2, 3 and their PL, and then we will plot them by using staggered to get the vessel position. So I hope that that's कोई बहुत बड़ा नहीं है, इट इज स्मॉल वन एंड इट्स ओके. थैंक यू.